गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस ऑफ आरबीएस पब्लिक स्कूल। वी आर इन द ग्रेड ऑफ क्लास 6 मैथ्स। हम लोग अभी क्लास 6 के मैथ पीरियड में, ठीक है, क्लास 6 सब्जेक्ट मैथ्स, ठीक है। पिछले वीडियोस में हम लोगों ने रिवीजन किया था, आज हम लोग अपनी स्टडी को आगे बढ़ाते हैं और आज हम रिवीजन करते हैं अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन का, ठीक है, चैप्टर 8 का रिवीजन कर रहे हैं, ठीक है ना। अभी फाफरनी एग्जाम हमारी नजदीक आ गई है, डेट भी हो गया है, ठीक है, हम लोग रिवीजन करते हैं, ठीक है। तो रिवीजन ऑफ चैप्टर 8, ठीक है, हम लोग चैप्टर 8 का रिवीजन करते हैं। चैप्टर 8 हमारा है अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, ठीक है। चैप्टर 8 हमारा है क्या है बच्चों, अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, ठीक है। हमने जैसा एक्सप्रेशन पढ़ाया था उसने बताया था कुछ, ठीक है। आज हम लोग कुछ थोड़ा सा आगे अपने शरीर बन रहे, चूंकि अल्जेब्रा आप लोगों के लिए न्यू है, डिफिकल्टीज को रिवाइज करते हैं। अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में हमने आपको बताया था किसी भी लेटर को जो सिंबॉलिक फॉर्म में हम लिखते हैं, ए बी एक्स वाई जेड एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर समथिंग, ये हमारा क्या होता है बच्चों, अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में होता है, ठीक है ना। इसमें हमारा कुछ क्वेश्चन आ सकता है, जैसे पहला हम क्वेश्चन दे सकता है इसमें हमारा कुछ क्वेश्चन दे सकता है इसमें जैसे कोई भी क्वेश्चन हमें दे दिया कि राइट द फॉलोइंग यूजिंग सिंबल नंबर्स, जैसे क्वेश्चन हमारा बोले गए एग्जाम्पल में कि राइट द फॉलोइंग इन यूजिंग लिटर्स नंबर एंड शीट्स, ठीक है, लिटर्स नंबर्स एंड सीट्स, ठीक है। जैसे कोई क्वेश्चन तुम्हारा दे दिया वाला कि एक्स डिक्रीज वाई मान लेते हैं दे दिया 7, इसको हमको लिखना है, कैसे लिखेंगे बच्चों, एक्स डिक्रीज वाई 7, यानी x जो है 7 कम है, ठीक है, यानी x माइनस 7, बस हो गया ये हमारा आ गया, ठीक है। जैसे दूसरा क्वेश्चन दे दिया हमारा इसी में, जैसे दूसरा हमारा दे दिया कि थ्राइस x एडेड टू थ्राइस x एडेड टू वाई स्क्वायर, ठीक है ना, एडेड टू वाई स्क्वायर, ठीक है, एडेड टू वाई स्क्वायर। अब हम इसको कैसे करेंगे, तो हमारा दिया है प्राइस एक्स, यानी एक्स का 3 times, यानी प्राइस एक्स को हम क्या लिखेंगे, 3x प्लस एडेड मतलब प्लस हो गया और क्या वाई स्क्वायर, तो वाई स्क्वायर कर देंगे, y ऊपर हम स्क्वायर 2 लिखिए, ये बस हो गया हमारा, क्लियर। इसको राइट आउट करके जाइए और प्रैक्टिस कीजिए। जैसे नेक्स्ट एग्जांपल हमारा दे सकता है इसी में कि x माइनस ट्वाइस y, जैसे दे दिया x माइनस ट्वाइस y, ठीक है। अब ये दे दिया हमारा, यानी क्या करना है हमको, x माइनस ट्वाइस वाई, ट्वाइस वाई से y के दोगुना से, यानी ट्वाइस वाई से x को हम माइनस कर देंगे, ठीक है, ये हमारा हो गया। जैसे कोई भी और एग्जांपल हमारा दे सकता है, जैसे एग्जांपल में दे सकते हैं, जैसे कोई हमारा दे दिया और उसको कहेगा हमको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है, राइट राइट इन ए
एच ओ ग्लेशियर फॉर्म है। जैसे कोई भी क्वेश्चन हमारा दे दिया कि ए इंटू ए इंटू ए इंटू बी इंटू बी इंटू सी इंटू सी इंटू सी इंटू सी, सपोज दे दिया हमारा, अब हम इसको कैसे लिखेंगे बच्चों? तो देखिए ए कितना टाइम्स है, 1 2 3, तो ए का पावर हमने 3 में दिया। इसके बाद बी कितनी बार है, बी ए 2 बार है, तो यानी बी स्क्वायर हो गया हमारा। और सी कितनी बार है, 1 2 3 4, यानी सी का पावर हो गया हमारा। बस एक लिखते हैं इसको, इसके ऊपर में इसको क्लियर, इसको राइट डाउन करेंगे जल्दी से जल्दी। जैसे हमारा दूसरा क्वेश्चन भी दे सकता है, इसमें 3 × x × x × y × z × z × z, सपोज ये दिया, इसको हम लिखते हैं सिंगल फॉर्म में। तो 3 हम देखते हैं कि सिंपल है, सिंगल है तो हम 3 को 3 लिखिए, x कितने बार है, ये 2 बार x है, तो हम x x स्क्वायर लिख दिए। y कितनी बार है हमारा, y एक ही बार है, y 3 को एक ही रह जाएगा। z कितनी बार है, 1 2 3, यानी z का बस यही सिंपल एक्सपोनेंशियल फॉर्म में हो गया। ठीक, इसको राइट डाउन करेंगे आपको जल्दी से जल्दी। ठीक, नेक्स्ट हमारा ये तो हो गया हमारा एक ए का डिवीजन हमारा हो गया। ठीक है, अब नेक्स्ट डिवीजन हम देख रहे हैं एक बी में, जैसे कुछ वैल्यू दे देता है हमारा, है ना, और वैल्यू को करता है हमको कि इसको फाइंड आउट करे, इवेल्युएट करना है, सिंप्लीफाई करना है, जैसा आपको क्वेश्चन दे देगा हमें, ठीक ना, तो आप उसको कैसे करेंगे तो देख ले रहे हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं उसको भी हमको कैसे कर लेते हैं। जैसे हमारा दे रहा है एक्सरसाइज 8B में कि इफ एग्जांपल तीसरा कर सकता है कि इफ ए इक्वल टू मान लेते हैं 2, बी इक्वल टू मान लेते हैं -3, और सी इक्वल टू मान लेते हैं हम। ठीक है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ देन फाइंड द वैल्यू ऑफ, जैसे पहला कोई क्वेश्चन दे दिया, कोई क्वेश्चन हमारा दे दिया पहला कि ए बी माइनस c2, सपोज ये दे दिया हमारा। अब हम क्या करेंगे इसको, तो हम ए बी के जगह ए बी का वैल्यू लिखेंगे, तो ए का वैल्यू कितना है बच्चों हमारा, 2 है, लिख दिए, इनटू दोनों के बीच कोई सिंबल नहीं है, इनटू है। बी का वैल्यू कितना है, -3 लिख दिया हमने, ये माइनस है तो माइनस लिख दिए। सी का वैल्यू 4 है, ठीक है, सी का वैल्यू क्या है हमारा, 4 है, तो 4 का स्क्वायर। अब ये हमारा कितना हो गया बच्चों, 3 × 6, लेकिन माइनस 2, ये हमारा -6 हो गया, माइनस अभी 4 का स्क्वायर का मतलब क्या, 2 बार 4 × 4 = 16 हमारा हो गया। ठीक है, 4 × 4 हमारा कितना हो गया बच्चों, 16, क्लियर। चलिए इसको कर लेंगे, अब हम देख रहे हैं हमारा यहाँ माइनस माइनस प्लस हमारा होता है, 16 और 6 कितना हो गया, 22 हो गया, लेकिन सिंबल क्या रहेगा, बड़ा था, बड़ा डी हमारा माइनस है, तो माइनस हो गया हमारा, ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, इसको राइट डाउन कर लीजिए। मान लीजिए दूसरा भी क्वेश्चन दे सकता है, दूसरा भी कोई क्वेश्चन दे सकता है, जैसे एग्जांपल 4 नंबर दे सकता है कि फाइंड द कोएफिशिएंट ऑफ, फाइंड द कोएफिशिएंट ऑफ, सपोज मान लेते हैं x, फाइंड द कोएफिशिएंट ऑफ x, जैसे दे दिया हमारा। ठीक, तो हमारा एग्जांपल दे दिया यहाँ 13x, तो इसका रिलेटिव कोएफिशिएंट क्या हो जाएगा, कोएफिशिएंट
कोएफिशिएंट ऑफ एक्स कितना है इसके पास में, एक्स को छोड़ करके जो बचे वो लिख लेंगे कितना है 40, हमने 40 लिख दिया। जैसे दूसरा एग्जांपल हम देख सकते हैं, जैसे लिख दिया हमारा कि कोई भी दे दिया, जैसे हमारे दिया माइनस 7xyz, तब यहां क्या लिखेंगे, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स इक्वल टू, अब एक्स को छोड़ करके जो उतना चीज भी है सब लिख देंगे, यानी माइनस 7 एक्स को लिखना नहीं है, वाई और हो गया, ठीक है, इसको राइट ऑन करेंगे आपको, क्लियर। बस इधर जो वैल्यू कुछ वैल्यू पुट करके अभी बात करते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल हम देख रहे हैं, जैसे कुछ क्वेश्चन होंगे सिंपलीफिकेशन में दे देगा, ठीक है। नेक्स्ट हम देख सकते हैं, जैसे कोई भी हमको इलेक्ट्रिक क्वेश्चन में दे दिया कि ऐड करने दे दिया हमारा, ठीक। मान लेते हैं कि अगला एग्जाम्पल भी हमारा दे सकता है, जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल हमारा 5 नंबर में, जैसे हमने दे दिया अब ऐड करना है, हमें ऐड करना है, जैसे दे दिया हमारा कोई भी 3a minus 5b plus 2c plus 8a plus 3b minus 4c plus minus 2a minus 3b plus 6c। सपोज ये दे दिया हमको ऐड करना है, हम इसको कैसे ऐड करेंगे बच्चों, जितने भी लाइक टर्म है, यानी ए वाले को एक साथ, बी वाले को एक साथ, सी वाले को एक साथ पर लिख लेंगे। तो हम सबसे पहला काम करते हैं लिख लेंगे, क्या है 3a plus 8a minus 2a, एक जगह हो गया, जितना भी बी है उसको एक जगह, तो माइनस 5b plus 3b minus 3b, ठीक है, जितना c है उसको एक साथ में, तो प्लस 2c minus 4c plus 6c, हो गया, b मिलेंगे हमें कंस्ट्रक्शन के लिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यहां भी लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी कोई छूटा नहीं हमारा, ठीक है। अब चलिए हम देख लेते हैं इसको, अब देखते हैं 8 और 3 क्या हो गया हमारा 11a minus 2b, अब यहां देख रहे हैं हम माइनस 3b और प्लस 3b हमारा कट जाएगा, कटने का मतलब होगा 3 में से 3 है 0, ठीक है, तो 0 हो गया हमारा, यानी माइनस 5b हमारा आ जाएगा, यहां माइनस 5b रह गया हमारा। अब c वाले में आ जाएंगे तो प्लस 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 6 और 2 8c माइनस 4c, ठीक है। अब इसको देख रहे हैं 11 में से 2 गया तो कितना हो गया बच्चों 9a minus 5b plus minus minus, इन बड़ा का लिखेंगे बड़ा ये तो प्लस हो गया 4c, यही हमारा आंसर हो गया, ठीक है। ये हम ऐड कर सकते हैं आसानी से, इसे बस ध्यान नहीं रखना है कि लाइक टर्म को एक साथ कर लेना है, ठीक है, तो इसको राइट डाउन कर लीजिए, ठीक है। नेक्स्ट हमारा हो सकता है एग्जांपल 6 में, जैसे कोई क्वेश्चन दिया हमारा कि by how much 2x minus 3y plus 4z
2x माइनस 3y प्लस 4z इज ग्रेटर देन 2x प्लस 5y 2x 2x प्लस 5y माइनस 4z 2x प्लस 5y माइनस 6z माइनस 6z प्लस 2 कितना ज्यादा है हम सोल्व करेंगे सॉल्यूशन रिक्वायर्ड नंबर इस पर जो तो हमको क्या करना है जितना बड़ा है उसे माइनस करने को पाए हम इतना ग्रेटर देन इतना यानी इसमें से हम 2x माइनस 3y प्लस 4z माइनस कर देंगे ब्रैकेट जैसे ही माइनस करेंगे ब्रैकेट में लिखेंगे ब्रैकेट लेना तो कंपल्सरी है ठीक है 2x प्लस 5y माइनस 6z प्लस बस इसको माइनस कर देंगे तो होगा हमारा आंसर हो जाएगा हम पहले यहाँ माइनस रहा तो निश्चित ब्रैकेट लेंगे यहाँ देखिएगा चूंकि ब्रैकेट लेने पर ब्रैकेट जैसे हम ओपन करेंगे अंदर का सारा सिंबल हमारा चेंज हो जाएगा अगर नहीं लेंगे तो हमारा गलत हो जाएगा ठीक है चलिए ये क्या हो गया बच्चों हमारा 2x माइनस 3y प्लस 4z माइनस 2x प्लस माइनस माइनस 5y माइनस माइनस प्लस 6z प्लस माइनस माइनस अब हम जैसा कि बताया कि लाइक टर्म को एक साथ कर देंगे देखिए ये 2x प्लस है ये 2x माइनस है तो दोनों कट जाएगा हमारा खत्म हो गया नहीं इसके बाद हम देख रहे हैं कि माइनस 3y और माइनस 5y माइनस माइनस प्लस हो गया तो माइनस 6 5 और 3 8 5 और 3 क्या 8y हमारा हो गया ठीक है z तो 4z प्लस 6z प्लस 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 4 और 6 10z और माइनस 2 बस यही हमारा आंसर हो जाएगा इसके बाद हम कुछ कर नहीं सकते हैं ठीक है इसको राइट डाउन कर लीजिए जल्दी से जल्दी ठीक है और अपने स्टडी को हम लोग आगे बढ़ाते हुए देखते हैं ठीक है तो अब हम लोग आते हैं अपने एसडब्ल्यू सेक्शन की ओर ठीक रिवीजन कीजिए आज एसडब्ल्यू में हम आपको दे रहे हैं रिवाइज करने के लिए ठीक है एसडब्ल्यू में रिवाइज एक्सरसाइज 8D 8D को आप लोग रिवाइज करेंगे और इवनिंग सेशन में हमें सेंड कर देंगे ठीक है ओके बाय एंड हैव अ नाइस डे अच्छे से तैयारी कीजिए एग्जाम का बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जामिनेशन ओके